बिहार विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव हुआ था, दोनों पर जदयू ने जीत हासिल की है। और उसके बाद अगर हम कहें तो बिहार में बयानबाजी भी तेज हो गई है। हमारे साथ सुभाष यादव जी मौजूद हैं, जो हालात बना है किस तरह देखते हैं, दोनों सीट आरजेडी हार गई है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, हालात में क्या है, सरकार पहले से चल रही थी, सरकार चल रही है, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हालत क्या है। तो कांग्रेस को सीट इन लोगों को छोड़ देना चाहिए था, आज छोड़ देते तो ये नौबत नहीं आती, दोनों सीट लगभग जीत जाते। कांग्रेस के वोट जो भी 2,000, 4,000, 5,000 मिला है, या चाहे अन्य जाति के वोट भागा है, तो वो वोट फॉरवर्ड जाति के भाग गया लोग कहता है, तो कांग्रेस को मिलता। हम मानते हैं कि तेजस्वी यादव से चूक हो रही है, लगातार चूक हो रही है। चूक तो घमंड के उड़ जा रहा है, अंधविश्वास होता है जो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसके चूक में ही चूक हो गया। आज जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है जगताप बाबू की, वो अब 2009 में आप देखिएगा एमपी बनने ला कांग्रेस से संबंध तोड़वा दिया, एमपी बनने के लिए कांग्रेस से संबंध तोड़वा दिए जगताप बाबू ने, आप देखे होंगे अपने खातिर। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी जी जिस तरह से डील कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले तो जगदानंद सिंह जी को हटाना चाहिए पार्टी से, ये बिहार के प्रदेश क्षेत्रीय दल है, यहाँ मिलनसार आदमी रहना चाहिए, रुआ वाला आदमी नहीं काम चलेगा, वो रूल करते हैं, जगताप बाबू जो है रूल करते हैं, रूल पार्टी में रूल नहीं चलता है, पार्टी में मिलनसार चलता है, मिलन। तेज प्रताप जी जो कहते हैं सही है? तेज प्रताप जी तो सही एकदम बोलते हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं भाई, पार्टी जो चलती है रूल से नहीं चलती है, पार्टी मिलनसार से चलती है, उसमें हर व्यक्ति को मिला के चयन किया जाता। अब वो आप अफसर नहीं हुए हैं जो 2 घंटा किसी वर्कर को बैठाइएगा गेट के बाहर पुर्जा, आप कॉफी पी रहे हैं अंदर, चाय पी रहे हैं, और वर्कर बाहर बैठा हुआ है, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगा। और मेन पावर जो पार्टी का अध्यक्ष जो होता है उसका दरवाजा खुला रहता है, कौन आया कौन गया वैसे नहीं, सबके बात सुनना है, सबको समय से छोड़ना है, जो अपना अपना क्षेत्र में जाए काम करे, वहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है, लोग आता है चेहरा दिखाने जो हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें पार्टी में काम किया ऐसे किया, आज कल क्या करेंगे इसके लिए लोग आता है। क्या मानते हैं अब क्या करना चाहिए, लालू जी भी अब पटना में है, तेजस्वी जी भी है, क्या होना चाहिए कि राजा जो है संगठन में? हम तो यही सलाह देंगे, तेजस्वी जी पूरे बिहार घूमे, हर गांव को घूमे, अभी कायम है 25 में 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा है, गांव-गांव को छान लें, कौन आदमी सही है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। अभी तो 2021 है, 25 में चुनाव है, 4 साल आपके पास टाइम है घूमने के लिए, बहुत सारी गांव आप घूम लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि बिहार किस स्तर पर आया, क्या ले जाना चाहिए। देखिए, घर में जिस तरह का माहौल बना हुआ दोनों भाइयों के बीच, लालू जी से भी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, माहौल तो बना हुआ तो ठीक हो जाएगा, पारिवारिक मामला है वो तो ठीक हो जाएगा, आदरणीय लालू जी उसको नजर रखे हुए हैं, वो सब ठीक कर लेंगे, वो सब चीज में माहिर हैं, किसको क्या बोलना है किसको नहीं क्या बोलना है वो सबको अपना डील कर लेते हैं, उनके पास कितना ही बड़ा आदमी जाए कहे जो हम आज ये करेंगे आज वो करेंगे, उनके सामने जाने के बाद भुला जाता है। यानी निश्चित तौर पर सुभाष यादव जी का कहना है कि देखिए पारिवारिक कुछ भी है वो लालू यादव ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो हालात है निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, साथ ही तेजस्वी यादव को गांव-गांव घूमकर अगर हम कहें अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। कुंदन कुमार, ETV भारत।